तो वो भी बहुत ज्यादा निकलते हैं, उत्सर्जित होना मतलब निकलना, बाहर निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, विश्व में प्लास्टिक की खपत करीब 20 करोड़ टन है। कितनी है? 20 करोड़ टन है प्लास्टिक की खपत पूरे विश्व में, और यह 5% की सालाना दर से बढ़ रही है। मतलब 5% हर साल बढ़ते ही जा रहा है, घट नहीं रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। हर साल दुनिया भर में प्लास्टिक की 500 अरब थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। कितनी थैलियों का इस्तेमाल किया जाता है? 500 अरब थैलियां, जो प्लास्टिक बैग्स आते हैं जिसमें हम लोग कभी सब्जी या फिर कभी फ्रूट्स लेके आते हैं, वो 500 अरब थैलियां इस्तेमाल की जाती हैं। अंत में वो कहाँ जाता है? लास्ट में वो कचरे के ढेर में ही तो जाता है, फेंक दिया जाता है हमारे घरों से सामान निकालने के बाद। इसके बाद वे नालियों और ड्रेनेज सिस्टम को अवरुद्ध करती है। मतलब नाली में जब वो कचड़े फेंके जाएंगे तो नाली में बह के वो जम जाएगा, और जम जाएगा तो एक जगह इकट्ठा होगा, इकट्ठा होने पर क्या होगा? पानी का प्रवाह जो है वो रोक देगा, आगे कुछ भी बह ही नहीं पाएगा, पानी नहीं बहेगा, आगे जो कचड़े हैं वो नहीं बहेंगे, तो नालियां क्या हो जाएंगी? जाम हो जाएंगी। इसी का नतीजा है कि बारिश में अनेक शहरों में बाढ़ जैसे नजारे को देखने मिलते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि यहाँ बाढ़ आया है, वहां बाढ़ आया है, ठीक है। तो बाढ़ क्यों आ रहा है? बाढ़ इसलिए आ रहा है क्योंकि पानी जो है वो बह नहीं पा रहा है, मतलब नालियों की सहायता से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से कचरा जमा हो जाता है, तो पानी बह नहीं पाता है, तो क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाती है। कोई डाउट है? नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। प्लास्टिक का जैव अपघटन नहीं होता है, मतलब प्लास्टिक को समाप्त नहीं किया जा सकता, और विघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रतिरोध होता है। और यहाँ पर जब अगर हम विघटन करते हैं, मतलब जलाते हैं या नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? प्राकृतिक प्रक्रिया में विरोध होता है, वो नहीं जल पाता है। इसके बाद इसने प्राकृतिक में हजारों लाखों सालों तक ऐसे ही बना रहता है, क्योंकि प्लास्टिक को जलाया नहीं जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो खुद से नहीं नष्ट होता है। अगर मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो हजारों सालों बाद भी अगर वहां से मिट्टी निकालते हैं तो वैसे का वैसा ही रहता है। मतलब प्लास्टिक को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो अपघटित ही नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो क्या होता है? जब वो अपघटित ही नहीं हो सकता है, तो अनेक जहरीले पदार्थ या रसायन, मतलब केमिकल, प्राकृतिक द्वारा छोड़े जाते हैं। जैसे हमारी जमीन जो है, झील, नदी, नाले, ये सभी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। जमीन के भीतर वो रिसकर मतलब गल कर भूमिगत पानी को खराब कर देता है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम प्लास्टिक को गड्ढे में दबा देते हैं तो क्या हो जाएगा वहां पे? वो खत्म तो नहीं होगा, लेकिन वहां के आसपास का जो जमीन है उसे खराब कर देगा। अगर वहां पे पानी है, पानी की मात्रा उपस्थित है, तो पानी को खराब कर देगा, वहां से निकलने वाला पानी भी खराब हो जाएगा। आगे सुदीप्त घोष जी लिख रहे हैं कि समुद्र में पाई जाने वाली कम से कम 267 जीव प्रजातियों पर प्लास्टिक कचरे का असर पड़ा है। यहाँ पे जैसे कि प्लास्टिक जो है, अब प्लास्टिक यहाँ से फेंका जाता है, तो मैंने पहले ही फर्स्ट पेज में ही बताया गया था कि प्लास्टिक जो है हमारे घर से निकल के नाली के बाद वहां से नदियों में जाता है, नदियों के बाद वो समुद्र में बह के जाता है, उसके बाद प्रशांत महासागर में जाता है। तो यहाँ पे जब समुद्र में जाता है तो समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु उपस्थित होते हैं। वो क्या होते हैं? 267 जो प्रजातियां समुद्र में रहने वाली, वो उन प्रजातियों पर प्लास्टिक का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। प्लास्टिक पशुओं जैसे बकरियां, गाय, हिरण के आंतों में भी पाया गया है। जनरली आप लोग देखोगे घर के आसपास गाय जो होती है, वो उसे खाना अगर नहीं मिलता है तो क्या करने लगती है? प्लास्टिक को भी चबाने लगती है।
तो प्लास्टिक क्या होता है, उनकी आंतों में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे गलाया नहीं जा सकता है, तो वह गाय के पेट में भी नहीं पचेगा, किसी के भी पेट में नहीं पचेगा। जब वो जमीन पर नहीं निकल पा रहा है तो किसी के पेट में जाके कैसे पचेगा। तो वो क्या हो जा रहा है, आंतों में भी पाया जा रहा है, जिसके कारण लोगों की मौत हो जा रही है। पानी में बहते, हवा में उड़ते और सूरज के ताप के असर से प्लास्टिक समय के साथ बहुत ही सूक्ष्म कणों में बढ़ जाता है। अब अगर प्लास्टिक, जैसे कि कुछ लोग जला देते हैं, तो जलाने से भाग उसमें से जो केमिकल निकलता है तो वो हमारे वातावरण को क्या करता है, दूषित करता है। लेकिन पानी में बह जाता है या हवा में उड़ता रहता है तो सूरज का तो ताप है, ताप मतलब सूर्य की किरणें जो है वो क्या कर देती है, प्लास्टिक को समय के साथ बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा छोटे कणों में विभाजित कर देती है, तोड़ देती है। तो जिससे वो कण क्या होते हैं, पलवक और अन्य छोटे जीवों में पहुंच जाते हैं। वो जो छोटे छोटे कण हैं, वो बहुत सारे छोटे छोटे जीव, हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें वो पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, इन्हें बड़े जीव निगल जाते हैं। जैसे वो छोटे जीव होते हैं उनमें ये छोटे छोटे कण प्लास्टिक के पहुंच जाते हैं, और उन छोटे छोटे जीवों को जो बड़े बड़े जीव होते हैं, जैसे कि छिपकली हो गई, अब छिपकली है तो वो मक्खी को खा लेगी, या फिर आसपास में छोटे छोटे जो जीव हैं जैसे कि फितिंगी होती है उसको भी खा लेते हैं, तो उन छोटे छोटे जीवों में प्लास्टिक चले गया। अब वो प्लास्टिक चले गया तो छिपकली जो है वो उसे खा लेती, निगल लेगी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में भी शामिल होते जाते हैं, जिससे बहुत ही घातक व दुर्गामी परिणाम होंगे। अब आपने देखा होगा कि मुर्गी या मुर्गा जो होते हैं, उनको कभी दाना चुनते अगर देखा होंगे तो वो भी क्या करते हैं, आसपास में दाना चुगते चुगते प्लास्टिक के भी कुछ कण वो भी निगल जाते हैं, और जिससे वो क्या होते हैं, जो मांसाहारी मनुष्य होते हैं, मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो क्या होते हैं, उन मुर्गियां मुर्गों को खाते हैं, तो उससे उनके शरीर में भी मतलब मनुष्य के शरीर में भी वो प्लास्टिक के छोटे छोटे कण जो है चले जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है किसी को? नो मैम, नो मैम। इसके बाद देखिए लास्ट पैराग्राफ है, सबसे पहले तो प्लास्टिक का अंधाधुंध इस्तेमाल बंद करना चाहिए, समस्या का समाधान यहाँ पे ये टॉपिक है। तो प्लास्टिक के समस्या से हमें कैसे समाधान मिलेगा, तो सबसे पहले जैसे कि अंधाधुंध मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, प्लास्टिक का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, तो हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल पे रोक लगाना चाहिए, ऐसे कुछ क्षेत्र जहाँ प्लास्टिक वाकई बहुत ज्यादा जरूरी है, जहाँ ऐसे जो प्लेस है जहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कौन से क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र, जहाँ पे जो दवाइयां होती हैं वो भी प्लास्टिक में रैप करके मिलता है, तो वहां इसलिए उस क्षेत्र में प्लास्टिक जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अब हर जगह हर एक मनुष्य प्लास्टिक का यूज करने लग रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। अब कहाँ कहाँ इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है वो भी देखते हैं। उदाहरण के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जहाँ प्लास्टिक के डिस्पोजल सिरिंज, कैथेटर, कृत्रिम कॉर्निया, श्रवण यंत्र और कैप्सूल के आवरण बनाए जाते हैं। आवरण मतलब बाहरी, कैप्सूल जो होता है जैसे कि बीकासूल आप लोग देखे होंगे, बी कैप्सूल या बीकासूल बोलते हैं, तो उसके उसका जो बाहर का क्षेत्र, बाहरी क्षेत्र होगा, क्षेत्र बोलते हैं या आवरण बोल सकते हैं, तो बाहर वाला जो हिस्सा होता है, भाग होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है, तो उसमें भी प्लास्टिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। श्रवण यंत्र मतलब जिन लोगों को कान से सुनाई नहीं देता है, तो उनके लिए कान से मतलब सुनाई देने के लिए एक मशीन बनाया जाता है जिसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है। कृत्रिम कॉर्निया, कॉर्निया मतलब यहाँ पे जो आपके आंख में लगाए जाने वाला लेंस होता है, वो भी शायद प्लास्टिक का ही बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और आपका जो सिरिंज होता है, जैसे सुई होती है, तो सुई के ऊपर वाला जो भाग होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, जो नुकीला भाग होता है सुई, वो जो होता है वो तो लोहे का रहेगा, लेकिन ऊपर में जो जिसमें रसायन भरा जाता है, केमिकल भरा जाता है या फिर दवाई भरी जाती है, वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। तो इन सभी जगहों पे जो प्लास्टिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो बहुत कम रेंज में मिलता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है। इसके लिए ऐसा कोई वैकल्पिक
पदार्थ नहीं है, जो प्लास्टिक जितना ही सस्ता और प्रभावी है, लेकिन ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुल खपत का 35% प्लास्टिक पैकेजिंग उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर अब हम इन जगहों पे जैसे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगा सकते, क्योंकि दवाइयों की जरूरत छोटे इंसान से लेके बड़े इंसान तक, मतलब गरीब से लेके अमीर तक को जरूरत होती है, तो गरीब को भी वो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाए, इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल वहां पर नहीं रोका जा सकता है। लेकिन जहाँ पे प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत सारी पैकेजिंग करने के लिए किया जाता है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस किस चीज का पैकेजिंग किया जाता है, जैसे कि आपका बिस्किट हो गया, बिस्किट का रैपर है, फिर इसके बाद कुरकुरे, चिप्स, स्लैश, तेल, कच्चे तेल जो आते हैं वो भी प्लास्टिक में रैप करके मिलते हैं, जैसे सरसों तेल है। अब अगर आप एक पैकेट लेने जाओगे तो पैकेट भी जो रहता है वो पॉलिथीन में रैप करके मिलता है। फिर इसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे जो खाने पीने के सामान हैं या फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो प्लास्टिक में रैप करके मिलते हैं, तो उसका कुल खपत कितना होता है, मतलब 35% प्लास्टिक का पैकेजिंग उद्योग में किया जाता है, तो वहां पर हम उसे प्लास्टिक का यूज करने से रोक सकते हैं। इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है मतलब कम किया जा सकता है। शैम्पू के सैसे, हाँ, छोटे छोटे जो शैम्पू के पैकेट आते हैं वहां पर भी प्लास्टिक का यूज किया जाता है, प्लास्टिक में उसे रैप करके दिया जाता है। दाल, चावल, बिस्किट इत्यादि पर खुरदुरे पैकेजिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे भी इसे रोका जा सकता है, इसे पूरी तरह से टाला जा सकता है, मतलब खत्म किया जा सकता है। इसके लिए हम पारंपरिक पैकेजिंग सामग्री जैसे पुराने जमाने में किया जाता था, जूट, कपड़ा, कॉटन आदि इत्यादि में किया जाता था, तो इसे फिर से हम चला सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, नेक्स्ट पेज क्लिक करो। आप लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या बेटा? देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, पौधों के अर्क से ऐसे प्लास्टिक के विकास पर काफी अनुसंधान किया जा रहा है जो जैव अपघटन योग्य हो। मतलब यहाँ पे पौधे का जो अर्क है उनसे प्लास्टिक का विकास करने के लिए बहुत सारे कोशिश किए जा रहे हैं, अनुसंधान किया जा रहा है। तो वहां पे जो जैव अपघटन है, मतलब ये इसे इसका अपघटन किया जा सकता है, मतलब नष्ट किया जा सके, ऐसे प्लास्टिक की खोज की जा रही है। इस तरह के कुछ प्लास्टिक पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं, इस तरह के कुछ प्लास्टिक जो है वो पहले से ही बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे जैव अपघटन युक्त प्लास्टिक मौजूद कृत्रिम प्लास्टिक का अच्छा विकल्प हो सकता है, हालांकि अभी यह अपेक्षाकृत महंगा है। इसके अलावा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी एक विकल्प है। यहाँ पे जो प्लास्टिक है जो कि जिनका जैव अपघटन किया जा सकता है, जिसे जलाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ऐसे प्लास्टिक जो है वो बाजार में मिलते तो हैं, और कृत्रिम रूप से उन प्लास्टिक का अच्छा विकल्प भी मौजूद है, लेकिन ये जो नॉर्मल प्लास्टिक मिलती है उन प्लास्टिकों से बहुत ज्यादा महंगी भी है। यहाँ पे एक विकल्प है जिससे प्लास्टिक का रिसाइकलिंग भी किया जा सकता है। रिसाइकलिंग का मतलब होता है एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज करना। वर्तमान में हर साल जितना प्लास्टिक फेंक रहे हैं उसका महज 10% ही रिसाइकलिंग हो पाता है। यहाँ पे हम जितना प्लास्टिक यूज करते हैं उसका 10% प्लास्टिक का ही क्या होता है, रीयूज होता है। पेट्रोल रसायन के दामों में लगातार वृद्धि के चलते, मतलब पेट्रोल जो है, पेट्रोल रसायन है, उनके दामों में हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, वृद्धि होती है, तो इसके चलते प्लास्टिक का उत्पादन महंगा हो जाएगा। ऐसे में भविष्य में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग की बड़ी भूमिका होगी। जैसे जैसे कि कच्चे तेलों का दाम बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्लास्टिक का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा, और फ्यूचर में प्लास्टिक का रिसाइकलिंग जो होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ भी जाएगा और अहम
रोल भी प्ले करेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, छटाई और प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण भी प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्लास्टिक में मिलाए जाने वाले एडिटिव और अन्य पदार्थों के साथ उनके मिश्रण के तरीकों के कारण भी कई बार वे रिसाइकलिंग के लायक नहीं रहते। उदाहरण के लिए पेय पदार्थ, दूध और तेल की पैकेजिंग में होने वाले टेट्रापैक में पतली पॉलिथीन के स्थान पर पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है, इससे उसका रिसाइकलिंग मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्लास्टिक का जो छटाई वाली प्लास्टिक होती है या फिर जो बहुत ही जटिल प्लास्टिक होती है, उन सभी प्लास्टिकों का रिसाइकलिंग बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे अब आप दूध जिस प्लास्टिक में लेते हैं या फिर जिस प्लास्टिक में तेल की पैकेजिंग होती है, पेय पदार्थों की पैकेजिंग होती है, तो उसमें जो होता है टेट्रापैक पतली पॉलिथीन में वो पेपर बोर्ड का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण उसकी रिसाइकलिंग जो हो जाती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा किसी प्लास्टिक को रिसाइकल करने से उसी तरह का प्लास्टिक नहीं बनाया जा सकता है। अब जैसे पहले जिस प्लास्टिक में तेल की पैकेजिंग हुई थी, फिर उसी तरह से उस पैकेट को दोबारा बनाना मुश्किल काम होता है। उदाहरण के लिए सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल के प्लास्टिक को रिसाइकल करके प्लास्टिक की कुर्सियां ही बनाई जा सकती हैं। अब जो हमें हमारे सॉफ्ट ड्रिंक मिलता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, उस सॉफ्ट ड्रिंक के उस सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतल से क्या बनाया जा सकता है? प्लास्टिक की सिर्फ कुर्सियां ही बनाई जा सकती हैं। दुबला बोतल नहीं बनाया जा सकता, और इससे भी बदतर रिसाइकलिंग की, प्लास्टिक से जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हें फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप एक प्लास्टिक की बोतल जो है उससे दोबारा से प्लास्टिक की बोतल नहीं बनाया जा सकती, उसे कुर्सियां ही बनाई जा सकती हैं, टेबल ही बनाए जा सकते हैं। और मुश्किल की बात यह है कि रिसाइकिल किए गए प्लास्टिक से जो उत्पाद बनता है उन्हें फिर से रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर एक बार जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल से क्या बनाया गया, प्लास्टिक की कुर्सियां बनाई गई, तो दोबारा से प्लास्टिक की कुर्सियां अगर टूट गई तो उन प्लास्टिक की कुर्सियों को रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं, ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण समाधान तो यह है कि अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। हमें प्लास्टिक का कम से कम यूज करना चाहिए, वही करना चाहिए जहां वाकई इसके बगैर काम नहीं हो सकता। अगर हमारे पदार्थ का कम दूरी तय करेंगे तो उसकी पैकेजिंग की जरूरत कम होगी। ऐसे में हमें स्थानीय स्तर पर उत्पादन मौसमी पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, जिससे कि पैकेजिंग की आवश्यकता कम रहेगी। अब यहाँ पे जो प्लास्टिक का यूज अगर हम बहुत कम करेंगे अपने दिनचर्या में या अपनी जीवन शैली में बहुत कम करेंगे, तो प्लास्टिक का यूज जैसे ही हम कम करेंगे वैसे ही इसका निर्माण कार्य भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जहाँ पे जरूरत ना हो, जैसे कि अब अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले से सब्जी लेते समय बोलते हैं कि प्लास्टिक की थैली में दे दीजिए, लेकिन हमें प्लास्टिक की थैली में ना लेके हमें घर से ही कपड़े के बने हुए बैग लेके जाने चाहिए और उसमें लेके आना चाहिए। तो जितना कम से कम इस्तेमाल करेंगे प्लास्टिक की बैग का, और तो उतना ही क्या होगा, हमारे जीवन शैली में बदलाव होगा और प्लास्टिक का हमारे जीवन में योगदान जो होगा कम हो जाएगा। अगर प्लास्टिक की पैकेजिंग हो रही है तो उसे कम करना है, तो हमारे आसपास के जो पैकेजिंग, जो प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, जैसे पेन हो गया, ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे सामान हो जाते हैं, उनकी अगर प्लास्टिक की पैकेजिंग बहुत दूर कम दूरी में करनी हो, मतलब उन सभी चीजों का यूज हमें कम दूरी में करना हो, तो क्या होगा, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना होगा। ऐसे में हमें क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा मौसमी फल, मौसमी साग सब्जी, मौसम जो हर एक मौसम में उपलब्ध हो ऐसी सब्जियां, ऐसे फल फ्रूट्स का यूज बहुत ज्यादा करना होगा, तभी जाके पैकेजिंग का आवश्यकता कम पड़ेगी।
विश्व स्तर पर प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत 26 किलोग्राम सालाना है। यहाँ पर पूरा होल वर्ल्ड में एक व्यक्ति मतलब पर पर्सन प्लास्टिक कितना खपत करता है, 26 किलोग्राम साल भर में खपत करता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत का सीधा संबंध प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से है। यहाँ पर जैसे जैसे एक व्यक्ति जो है, अब एक व्यक्ति 26 किलोग्राम प्लास्टिक का यूज कर रहा है तो उसका सीधा संबंध किससे जाएगा, हमारे राष्ट्रीय आय से भी जाएगा। जो देश में जितना अधिक संपन्न है वहां प्लास्टिक की खपत भी उतनी अधिक है। जैसे जैसे कि जितना अधिक देश संपन्न होगा, मतलब संपन्न से मतलब है यहाँ पे धनी, जितना धनी देश होगा वहां पे प्लास्टिक की खपत भी उतनी अधिक होती। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत उत्तरी अमेरिका में कितनी है, 90 किलोग्राम, पश्चिमी यूरोप में 65 किलोग्राम और चीन में 12 किलोग्राम, भारत में 5 किलोग्राम। ऐसे ऐसे बताया गया है कि जितने संपन्न देश है वहां पे कितना कितने कितने किलोग्राम पर पर्सन यूज किया जा रहा है साल भर में। तो यूरोप उत्तरी अमेरिका में 90 किलोग्राम, पश्चिमी यूरोप में 65 किलोग्राम, चीन में 12 किलोग्राम, भारत में 5 किलोग्राम। लेकिन भारत के संदर्भ में बुरी खबर यह है कि यहाँ खपत 15% की दर बढ़ रही है, मतलब 15% दर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें प्लास्टिक के कम से कम इस्तेमाल पर एक ही प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल की ओर बढ़ना होगा। यहाँ पर प्लास्टिक का यूज जो है, एक ही प्लास्टिक का कई बार यूज कर सके या दोबारा यूज कर सके, ऐसे में इस तरफ हमें बढ़ना होगा, प्लास्टिक का कम से कम यूज हो सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, आज ही शुरुआत करें, मतलब हम सभी व्यक्ति स्तर पर भी प्लास्टिक का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की दिशा में प्रयास करते कर सकते हैं। हम सभी मतलब हर एक व्यक्ति जो है, हर एक व्यक्ति है वो क्या है, अपने विवेकपूर्ण मतलब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इसको सही दिशा में यूज कर सकता है। सबसे पहले हम इस बात पर विचार करें कि अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का कितना यूज करता है, मतलब हमें ये सोच विचार करना चाहिए, अपना दिमाग लगाना चाहिए कि हमें अपने जीवन में प्लास्टिक का कितना यूज करना चाहिए। क्लासरूम, स्कूल और घर में झांकें और चिन्हित करें कि कितनी चीजें प्लास्टिक से बनी है, इसमें से कितनी चीजें जो है हमारे भोजन या पेय पदार्थ से सीधे संपर्क में आती है। तो हमें मतलब अपने घर में, अपने आसपास के वातावरण में, स्कूल में, जहां जहां हम जाते हैं, ऑफिस वगैरह में, तो उन सभी जगह पे हमें ये देखना चाहिए और टिक मार्क करना चाहिए कि कितनी चीजें जो है हमारे घर के आसपास या जहां पर हम बैठते हैं, उठते हैं, जहां जाते हैं, वहां पे कितनी चीजें जो है प्लास्टिक से बनी हुई है। उनका हमारे पेय पदार्थ मतलब पानी पीने वाले पदार्थ या भोजन वाले पदार्थ में कितना सीधा संपर्क प्लास्टिक से है, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जानने के बाद उस पर अपना दिमाग लगा के उसमें काम भी करना चाहिए, मतलब काम करने से मतलब है हमें उसका यूज कम से कम करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना उसका यूज कम करना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखते हैं, सोचे कि पिछली बार आपने बिस्किट के पैकेट को खोला था, उसके रैपर का क्या किया। यहाँ पे बता रहे हैं सुदीप्त घोष जी, कह रहे हैं कि आप सभी सोचिए कि जिस बिस्किट के पैकेट को आपने लिया था, उसके बाद उसका रैपर खोला, उस रैपर को बिस्किट खाने के बाद उस रैपर का आपने क्या किया। पिछले माह आपके परिवार में कितने पॉलिथिन बैग्स का यूज किया गया। पिछली यात्रा के दौरान आपने पानी की कितनी बोतलें खरीदी, उन खाली बोतलों का क्या किया। आप जिस गद्दे पर सोते हैं वह किसने बनाया है। आप जो कपड़े पहनते हैं वे किस पदार्थ से बने हैं। क्या आप भोजन गर्म करने के लिए किसी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सुदीप्त घोष जी जो बोल रहे हैं कि आपने आसपास के वातावरण को देखिए, वहां पे प्लास्टिक का कितना ज्यादा यूज हो रहा है। आपने जो खाया पिया उसमें कितनी ज्यादा प्लास्टिक का यूज वन मंथ के अंदर कर लिया। आपके घर में कितने प्लास्टिक के बैग्स यूज किए जा रहे हैं। आप अगर कहीं घूमने गए हैं तो घूमने के यात्रा के दौरान आपने कितने बॉटल खरीदे।
पेप्सी होता है, आप लोग पेप्सी खरीदते हैं, कोको कोला खरीदते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हैं, यहाँ पे पानी के बॉटल्स खरीदते हैं, तो उन सभी बॉटल्स में मिला के आपने कुल कितने बॉटल्स को परचेस किया? बॉटल खरीदने के बाद या फिर सामान खाने के बाद आपने उन सभी प्लास्टिक के बैग्स या फिर रैपर का या फिर बॉटल्स का क्या किया? आप जिस गद्दे पर सोते हैं उसे किसने बनाया? कपड़े पहनते हैं वो किस पदार्थ या किस चीज से बना हुआ है? आप अपने घर घर में जो खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद उसे गर्म करने के लिए कहीं प्लास्टिक के बर्तन का तो यूज नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कितने बर्तन का यूज करते हैं? ये सभी आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह कहा जा सकता है कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है और हमारी सेहत पर इसका काफी नकारात्मक असर पड़ रहा है। नकारात्मक मतलब बुरा असर पड़ रहा है। प्लास्टिक से मुक्त दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की महती जरूरत है। मतलब प्लास्टिक मुक्त दुनिया बनाने के लिए वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से सभी अगर प्रयास करेंगे तो ऐसा कर पाना संभव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक सोचेगा और बाकी 99% सोचेंगे कि हम प्लास्टिक का यूज करेंगे, तो एक के सोचने से कुछ नहीं होगा, सभी को सोचना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, प्लास्टिक से हम प्लास्टिक की जरूरत को या प्लास्टिक से बहुत दूर हो पाएंगे। आइए इस नजरिए से के साथ शुरुआत करें कि अधिकांश मौके पर प्लास्टिक के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। एक बेहतर कल के लिए हम बेहतर आदत डालें। अगर हम अपने इस नजरिए को बदल लें कि हमें प्लास्टिक की कोई भी जरूरत नहीं है, तो किसी भी अगर हम यात्रा कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, घर में यूज होने वाले जितने भी सामान हैं, अगर हम उन प्लास्टिक के यूज को बंद कर देंगे तो क्या होगा, हम एक बेहतर आदत डाल देंगे, अच्छी आदत बना लेंगे अपने जीवन में, हम प्लास्टिक का यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम इस नजरिए के साथ क्या करें, एक शुरुआत करते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल मैं आप लोगों को इसका नोट सेंड कर दूंगी। हैव अ गुड डे।